और बहनों मैं आज उस बियर ट्रिमर का रिव्यू करने वाला हूं जो मैंने लॉकडाउन से पहले लिया था आ, ये सारे कंटेंट्स मैंने निकाल के बाहर रखे मुझे इस्तेमाल करते हुए अब लॉकडाउन को कितने करीब दिन हो गए दो महीने तो मुझे भी ये उसरा बियर ट्रिमर यूज करते हुए दो महीने हो गए मेरा व्यू जो पहले दिन था वो आज नहीं है कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इस मामले में बिल्कुल गलत प्रूफ होता है क्यों मैं इस आ, रिव्यू को बहुत शॉर्ट बहुत संक्षेप में मतलब मैं कान सीधे पकड़ूंगा घुमा के नहीं पकड़ूंगा आ, इस बियर ट्रिमर की जो बनावट है ठीक है ये थर्टी फोर्टी परसेंट वाइडर है इसलिए ज्यादा एरिया कवर करता है लेकिन जो परफॉर्मेंस इसकी डे बाय डे गिरती जाती है स्पेशली आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ और सेकंड मंथ के बाद तो अभी परफॉर्मेंस इतनी कम हो गई है वट डू आई मीन बाय दैट उससे मेरा मतलब क्या है मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा टू बाय दी दस्तरा बियर ट्रिमर जिसमें एलईडी इंडिकेटर है वो एलईडी इंडिकेटर आपको एक बार दिखा देता हूं ये देखिए 65 फाइव uh, परसेंट जिस चीज ने मुझे शुरू शुरू में अट्रैक्ट किया था वो था इसका बैटरी uh, इंडिकेटर और इसके अंदर जो बैटरी है वही बैटरी होती है जो मोबाइल में होती है ऐसा उन्होंने कहा था यह भी कहा था ये वाइड है और नियर टू द स्किन वेरी क्लोज टू द स्किन आपको शेविंग शेविंग नॉट ट्रिमिंग देता है वेरी क्लोज यू नो वेरी वेरी क्लोज ट्रिम जो कि सही नहीं है uh, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्रिम किया अपने सारे बालों को तो मैंने नोटिस किया मेरा जो स्टबल है अभी भी काफी हैवी है

इंक्लूडिंग द बियर्ड आज उसी काम को करने में करीब नौ दस परसेंट लग जाते हैं कभी कभी उससे भी ज्यादा और जो पहले दिन इरिटेशन लेवल था वो बहुत कम हुआ करता था सिर्फ लिप्स के आसपास जाने में कई बार मुझे हर्ट हुआ अदरवाइज इरिटेशन लेवल बहुत कम था लेकिन था देर वॉज सम इिटेशन अब वो इरिटेशन लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है और जैसे मैंने कहा बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है अगर दो महीने में यह हाल है और मैं रोज तो ट्रिम करता नहीं हूं उसके बावजूद दो महीने में यह हाल है तो आगे चल के क्या हाल होगा अब इसकी जो स्निपिंग हेयर स्निपिंग क्वालिटी है वो पहली जैसी नहीं है पहले बाल तो ऐसे गिरते थे कि पूछो मत मजा आ जाता था लेकिन अब एक एफर्ट है अब बाल खिंचते हैं स्किन इरिटेट होती है और मेरा व्यू कंप्लीटली इन्वर्टेड हो गया है टोटली totally चेंज हो गया है इस ट्रिमर के बारे में ये ट्रिमर एक यू नो <laughs> you know, एक धोखा देने वाला ट्रिमर है क्योंकि पहले दिन पहले हफ्ते और लूजली कहें तो पहले महीने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है लेकिन उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस स्टीपली डिक्लाइन करती है ये इसका चार्जर है जो ठीक ही ठाक है आ, इसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी वायर की थिकनेस वगैरह सब ठीक ठाक है ये इंक्लूडेड ब्रश है और क्लीनिंग ब्रश और ऑयल है ऑयल अभी तक मैंने यूज नहीं किया है और लगता है अब यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत खराब आ रही है और वो कुछ अटैचमेंट्स है वो आपने बाकी वीडियोज में शायद देख भी लिए होंगे इसमें पांच अटैचमेंट्स और एक कैप होती है प्रोटेक्शन कैप सो so, ठीक है ये खूबसूरत दिखता है छोटा है हैंडी है बहुत ज्यादा नॉइस और वाइब्रेशन भी नहीं करता ये सारी बातें सच है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जैसे जैसे इंडिया का कोरोना वायरस ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे इसकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ गिर रही है एंड दैट इज माय बिगेस्ट बिगेस्ट कंसर्न तो ये एक गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है जो रंग रूप इसका पहले महीने था अब दूसरे महीने बिल्कुल नहीं है इसकी बैटरी बहुत फास्ट ट्रेन हो रही है और मुझे लगता है छठे सातवें महीने तक तो इसको बहुत ही ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा अभी एक एक शेव करने के लिए मुझे आठ से दस परसेंट आराम से निकल जाते हैं तब शायद पच्चीस परसेंट तक आराम से निकल जाया करेंगे और जैसे मैंने कहा कि इरिटेशन लेवल बहुत बढ़ गया है अब अभी बालों को पकड़ता है खींचता है और वो फर्स्ट डे वाली परफॉर्मेंस फर्स्ट वीक वाली परफॉर्मेंस अब नहीं दे रहा है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इसको ना खरीदें